हमारे परदादा थे, उनका नाम था खुबारी सिंह। वो क्या थे, गुलाब जामुन और रसगुल्ला के एकदम फैन थे। हाँ, फैन थे। उनके पास एक कपबोर्ड था, कपबोर्ड के अंदर बना रखे थे हलवाई के यहाँ से कठौती जो होता है ना, जो इसमें बनाता है पूरा भर करके, और उसको बोलते थे यहाँ ला के रख दो। हाँ, जो भी उसका कीमत होता होगा, 2 किलो 4 किलो जो भी है। शुगर की बीमारी नहीं होती थी तो उस समय, कहाँ थी ये सब बीमारी, किसान को कहाँ होता था बीमारी। तो ये जो शुगर की बीमारी है ना, वो आरामदेह लोग जो होते हैं ना, मतलब ज्यादा आराम करते हैं, शरीर को फिजिकली जो है वो रिलैक्स रखते हैं। तो क्या करते थे कि मतलब वो कपबोर्ड में ला करके लॉक करके रखते थे। हमारे पिताजी जो थे खुराफाती दिमाग के थे, वो और चाचा जी जो थे उनके पिता सनम सिंह, तो उनकी जोड़ी थी, जुगलबंदी चलती थी, दोनों जहाँ भी जाते थे खेलते थे। उनको मन में आया कि रसगुल्ला खाया ही कैसे जाए, ताला बंद है। तो वो जो कपबोर्ड है ना, उसके अंदर में डंडा गुजा करके उसको गैप बनाया। रसगुल्ला गिरा दिया? नहीं, उसके अंदर से जब गैप बना ना, तो फिर हाथ जाए इतना गैप करके एक आदमी डंडा से पकड़े है। पहले तो कपबोर्ड लकड़ी का ही होता था, एक आदमी डंडा पकड़े थे, एक आदमी हाथ डाल के अपन निकाल लिया पतला पतला हाथ से। तो ये बात पता चल गया उनको, मतलब सुभगवा किधर है, राम सुभगवा किधर है, सुभगवा बोलते थे उनको। तो हमारे पिताजी जो है ना बता रहे थे, खुद ही अपनी कहानी बोल रहे थे कि वो एक कल्लू सिंह थे, जो आज के उनके जो पोता ये सब है ना, बच्चू भैया ये सब है ना, उनके पोते हैं। तो कल्लू सिंह का जो चौकी था उसके नीचे जाके छुप गए। हाँ, और वो डंडा लेकर के घूम रहे हैं, कहाँ गए। ऐसा मतलब ये था, उनके फैन थे। तो वो करते क्या थे, परदादा जो है थे, सुबह स्नान करके 4-5 रसगुल्ले जो है कम से कम खाएंगे। हाँ, वो उनका पानी पीने का वो है कि मतलब सुबह पानी कैसे पिए। अच्छा, तभी से परंपरा चली नहीं पानी पीने वाला। हाँ, मिठाई खा के पानी। सुनीता दीदी को देखा, मैं जाली उनको देखा कि खेती बाड़ी खा के पानी पीना। फिर खेती बाड़ी वगैरह का काम वो अपना देखते थे, वो जैसा भी उनका रूटीन। वो एक घटनाक्रम जो है उन्होंने किया कि मैंने डंडा लेके घूम रहे हैं और हम भर रात जो है वो चौकी के नीचे ही रह गए। और वो जो थे वो आकर के चौकी पे बैठ गए कल्लू सिंह के यहाँ, और उनसे गप सप लगाने लगे। सुबह के देखला है दोनों जो है, तो वो और सीता सरन से ऐसा प्रफाती थे। मुझे याद आता है जब हम लोग कुछ छुपते हैं ना, तो लगता है कि ये बंदा जो बैठा है ना, कब कहीं अगर देख लिया तो बड़ी मारेगा। चक्कर में हम भी कई बार छुपे हैं।